नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवम भार्गव। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का जो भूगोल है उसका चैप्टर नंबर 3 का मैप वर्क। जल संसाधन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट का जो है फर्स्ट चैप्टर का मैप वर्क तो बना दिया था, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और ये जो सेकंड पार्ट का मतलब सेकंड पार्ट नहीं सॉरी चैप्टर नंबर 3 का जो मैप वर्क है, तो दोस्तों इस चैप्टर में केवल डैम्स के बारे में बताया गया। और ये जो डैम्स है भारत में कौन कौन से कहाँ पर पड़ते हैं, एक्चुअली भारत में बहुत सारे डैम्स हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट डैम है अगर आप उनकी लिस्ट तैयार करोगे तो वो केवल 8 है जो मुख्य मुख्य हैं और उनसे अपने भारत में काफ़ी ज़्यादा बिजली प्रोवाइड की जाती है। तो अगर वो डैम बंद हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आधे भारत को जो है लाइट नहीं मिल पाएगी। तो अभी हम लोग देखते हैं कौन कौन से ऐसे डैम्स हैं जिनको हमें याद रखना है और वही हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। आप चाहे तो अपनी SST की बुक्स में भी देख सकते हो, वहाँ पर भी इतने डैम्स के बारे में बताया गया, तो आपको इतने ही डैम्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं लिस्ट के बारे में कि कौन कौन से डैम्स हमको पढ़ने हैं और वो भारत में कहाँ पर स्थित हैं और उनको हम मैप में कैसे भरेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो लिस्ट दिखाई हुई है इसमें टोटल 8 डैम्स दिख रहे हैं और ये सारे डैम्स आपको याद रखने हैं। इनकी लोकेशन क्या होगी, इनकी पोजिशन क्या होगी और इनकी कुछ कुछ खास बातें कि इनसे किस जगह पर पानी जाता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाखड़ा नांगल के बारे में कि भाखड़ा नांगल कहाँ पड़ता है। आइए दोस्तों मैप में देखते हैं कहाँ पर पड़ता है हमारा भाखड़ा नांगल जो डैम है, वो पड़ता है इस जगह पर, हिमाचल प्रदेश का एक बिलासपुर गांव है। देखिए ये गांव नहीं, एक एक्चुअली में जिला है वो। तो ये जो आपका हिमाचल प्रदेश है इसमें इस डॉट के नीचे जब आप देखेंगे पंजाब और ये आपका मतलब पंजाब और हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है ना, इस बॉर्डर से जस्ट थोड़ा सा बगल में यहाँ पर आपका पड़ता है भाखड़ा नागल। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ क्योंकि सारे जो नंबर हैं वो काफ़ी ज़्यादा, नाम अगर लिखूँगा तो भर जाएंगे, तो नंबर काफ़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। और लिंक आपको एक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके चेक कर लेना। तो आपको ये सारा इसकी फ़ोटो, इसकी इमेज और इसके अलावा जो मैप है, जो डैम है, उनकी थोड़ी बहुत डिटेल भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये जो भाखड़ा बांध है ये पड़ता है आपका सतलुज नदी पर और इससे जो फ़ायदा लेने वाले जगह हैं वो हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ऐसे राज्यों को थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलता है। कुछ हद तक कि इस डैम से राजस्थान को भी फ़ायदा पहुंचता है। कहने का मतलब है कि राजस्थान से भी जो इसकी बिजली या फिर इसका जो पानी है, इससे जो नहर निकाली जाती है वो राजस्थान को भी थोड़ा सा प्रभावित करती है, लाभान्वित करती हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश तो हो ही गया, साथ में पंजाब और ये हरियाणा जैसी जगह, सभी जगह पर इससे फ़ायदा मिलता है। जैसे भाखड़ा नांगल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है और सबसे खास बात कि भाखड़ा नांगल बांध से 250 छोटे बड़े कस्बे जो है, इनके जितने भी उद्योग हैं उनको भी लाइट वगैरह मिलती है। इस बांध से कुल 1325 MW तक की विद्युत भी उत्पन्न की जाती है। नंबर 2 पर आता है आपका हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध पड़ता है उड़ीसा में और ये जो है उड़ीसा के इस पॉइंट पर आप देख सकते हो, ये जो यहाँ से ऐसे कट जा रहा है तो इस कट के थोड़ा सा नीचे पर हम लगाएंगे। अगर आपको ये कट नहीं मिलता है भारत के मैप में तो आप अंदाजे से जहाँ पर भी आपको उड़ीसा समझ में आए आप उसके लगभग इस जगह से अंदाज़ा करके जो है ये जो भारत की बॉर्डर आती है ना, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा करके लगा सकते हो। तो देखिए ये जो गड्ढे वाला पार्ट है यहाँ पर हीराकुंड जैसा, ये कुंड जैसा दिख रहा है, तो आप यहीं से सीधा थोड़ा सा ऊपर पे यहाँ पे लगा देना। तो मैंने इसको कर दिया है इस जगह पे बी पॉइंट डाल दिया। ठीक है, ये वाला जो डॉट बना हुआ है ये हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध पड़ता है ये महानदी में, मतलब ये महानदी जो निकलती है वहाँ पे, उस नदी पर ये बांध बनाया गया है। और ये राउरकेला स्टील प्लांट जैसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को, उद्योगों को बिजली पहुंचाता है, विद्युत पहुंचाता है। इस बांध की सबसे खास बात यह है कि ये बांध 4.8 किलोमीटर से भी लंबा बनाया गया है और जो इसकी तटबंध लंबाई है वो 25.8 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इससे दोस्तों जो बिजली उत्पन्न की जाती है वो है 307.5 MW और इसका उपयोग जो है उड़ीसा, बिहार, झारखंड और भी बहुत सारी जगहों पर छोटे मोटे फैक्ट्रियों में या कारखानों में इसको औद्योगिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों आपका सरदार सरोवर परियोजना और ये बहुत ही आसानी तरीके से आप पहचान सकते हैं। आप ये जो गड्ढा देख रहे हो ना गुजरात में, ये जो मतलब समुद्र किनारे साइड से, तो इस गड्ढे के जस्ट बगल में आप थोड़ा सा दूर पर भी आप लिख देंगे ना सरदार सरोवर परियोजना, तो ये आपका जो है राइट माना जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी, एक्चुअली मैं 1 लिखा था फिर यहाँ पे मैंने बी लिख दिया, यहाँ पे कर दिया सी, और C1 के बाद नहीं तो इसको फिर A बना देते हैं। ये बांध बना हुआ है नर्मदा नदी पर और इसका उद्देश्य गुजरात के जितने भी सूखे इलाके हैं या फिर राजस्थान के सूखे इलाके हैं काफ़ी हद तक, तो वहाँ पर भी बिजली और पानी दोनों पहुँचाने का कार्य करता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो बांध है ये 200 MW की बिजली उत्पन्न करता है। दोस्तों इस बांध से 200 MW की 6 विद्युत इकाइयों के द्वारा 1450 MW तक टोटल बिजली उत्पन्न की जाती है। ये गुजरात राज्य के भरूच जिले के नवागम नामक स्थान पर बनाया गया है और सबसे खास बात यह है कि ये गुजरात के जितने भी सूखाग्रस्त इलाके हैं या फिर मध्य प्रदेश के जितने भी थोड़े बहुत पार्ट्स हैं वहाँ पर ये अपनी बिजली
बिजली और पानी पहुंचाने का कार्य करता है। 14 नंबर पर आता है दोस्तों टिहरी बांध परियोजना। ये पड़ता है उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना हुआ है, और इसको पहचानने के लिए सबसे आप अच्छा तरीका ये कर सकते हैं कि आप जो है ये वाला जो बॉर्डर है ना, ये दो गड्ढे आपको दिखाई दे रहे हैं, इससे थोड़ा सा राइट साइड में आप देखेंगे, लेफ्ट साइड मतलब नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आपको टिहरी बांध परियोजना मिलेगी। मैं इसको नंबर देता हूँ ए बी सी के बाद में डी। टिहरी बांध से दोस्तों 2400 मेगावाट तक की बिजली उत्पन्न की जाती है, और ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों में बिजली पहुंचाने का अच्छा कार्य करता है। इसके अलावा इससे सिंचाई का भी काफी अच्छा कार्य किया है दोस्तों। टिहरी बांध परियोजना का काफी ज्यादा पूरे भारत में विरोध किया जाता है, क्योंकि ये भारत के ऐसे इलाके में बसी हुई है जहां पर बहुत ज्यादा भूकंप आने के चांसेस रहते हैं, जैसे रिक्टर स्केल 6.8 से 8.5 तक की। तो कई लोग जो हैं इसका विरोध करते रहते हैं कि इस बांध को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि भारत सरकार ने यहाँ पर 1000 वाट मतलब 1000 मेगावाट की बिजली और उत्पन्न करने के लिए जो है मंजूरी दे दी है, बट यहाँ पर ऑलरेडी 1400 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाती है। 5वें नंबर पर आता है दोस्तों हमारा नागार्जुन बांध। नागार्जुन बांध पड़ता है ये आपका आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी पर बंधा हुआ है ये, तो इस जगह पर है आपका नागार्जुन बांध, और इसको मैं नंबर दे देता हूँ ई। इस बांध से नलगोंडा, प्रकाशम, खम्बम, कृष्णा, गुंटूर जिलों की काफी ज्यादा सिंचाई होती रहती है। ये भारत का सबसे लंबा बांध है, और सबसे खास बात यह है कि इस बांध से निर्मित नागार्जुन सागर झील वो दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी मानव निर्मित झील है, तो आप समझ सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ से जो बिजली उत्पन्न की जाती है वो काफी कम मात्रा में की जाती है, जैसे 100 से 110 मेगावाट तक की जो बिजली है वो यहाँ पर उत्पन्न की जाती है। अगले नंबर पर आता है आपका दोस्तों रिहन बांध। रिहन बांध पड़ता है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, और वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कहाँ पर, क्योंकि सभी लोग जानते हैं सोनभद्र यहाँ पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के काफी सारे इलाकों में बिजली और सिंचाई का कार्य करता है, तो मैं यहाँ पर नंबर दे देता हूँ एफ। अगले नंबर पर दोस्तों है हमारा राणा प्रताप परियोजना। राजस्थान के चंबल इलाके में पड़ने वाला है, और ये चंबल इलाका आप सब देख करके बता सकते हैं इस जगह पर पड़ता है, तो यहाँ पर है आपका चंबल इलाका ये रहा। 8वें नंबर पर दोस्तों हमारा जो है वो है सलाल परियोजना, और सलाल परियोजना पड़ता है चेनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में, तो ये चेनाब नदी कहाँ है, ये चेनाब नदी आपने अगर आपको नदियों का थोड़ा सा भी मैप याद होगा तो आपको पता होगा कि चेनाब नदी आपकी पड़ती है इस जगह पर। तो जो सलाल नदी परियोजना है, देखो ये वाला जो गड्ढा दिख रहा है ना भारत में, इसी जगह पर आप चेनाब नदी की धार निकलती है, तो यहाँ से आप जो है मैप को दिखाएंगे इस पॉइंट पे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी के बाद में एच। दोस्तों सलाल परियोजना का जो फायदा है बांध का, वो काफ़ी सारे राज्यों में पहुँचता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया आपका, और हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, कुछ हद तक राजस्थान में भी इसका फायदा लिया जाता है, और तो और दिल्ली में भी इस डैम से काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों सारे डैम मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अगर आपको ये मैप चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पे देख सकते हो, और वहाँ पे जो है मैंने सारे नाम लिख करके मैं बकायदा दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको जो है और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, शायद 1 या 2 दिन बाद मैं अपलोड करूंगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसी चैप्टर के, तो आप वो भी जरूर चेक करना, बिल्कुल मैं ना बोल रहा, क्योंकि SST में नंबर्स आपके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्लास 10th में, तो आप उनको बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया तो, और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, क्योंकि मेरी फीस बस इतनी है कि आप एक शेयर कर देते हैं, एक लाइक कर देते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है।